तो गाइस अब आज हम बना रहे हैं चिली पनीर। मैंने सबसे पहले रिफाइंड ऑयल लिया था, उसको मैंने डाल दिया प्याज चॉप करके, और शिमला मिर्च हमने काम और हल्का सा प्याज पिंक होना स्टार्ट हुआ है, और उसके साथ साथ ही मैं डाल दूँगा इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दिया मैंने, उसमें प्याज डाला है, कसूरी मेथी डाली, हल्का सा जीरा डाला है। प्याज हमारा बढ़िया सा पिंक हो चुका है, अब जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और शिमला मिर्च को हमने काट कर दिया डाइस के ऊपर। तो गाइस ये ग्रीन चिली भी मैंने डाल दी। तो गाइस प्याज हमारे अच्छे ढंग से भुन चुके हैं, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो गाइस अदरक लहसुन अच्छे ढंग से भुन चुका है, अब इसमें जाने वाला है टमाटर, ग्राइंड करके डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिया, और टमाटर जा रहे हैं मिक्सी जार में बढ़िया से। तो गाइस टमाटर हमारे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैंने डाल दिए हैं, अब इसमें अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और ये मैंने बनाए थे फ्राइड राइस आज तक के लिए, सुबह बनाए थे कॉलेज देने के लिए फ्राइड राइस बनाए थे। और अब हमारे ये टमाटर अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए, यानी कि पक जाएंगे, तड़के वाला अच्छी तरीके से भुनाई होगी इसकी, जब तक ये ऑयल सर्विस पे ना। हे गाइस गुड आफ्टरनून करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके भैया के साथ, काकू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज बढ़िया सी रेसिपी बन रही है, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर कढ़ाई पनीर। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे भैया कढ़ाई पनीर की रेसिपी ज़रूर देना आप हमें, और तीन से लगातार कमेंट्स आए हैं कि कढ़ाई पनीर बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाना है जैसे ढाबे में बनता है। तो गाइस उसी हिसाब से बनाते हैं बढ़िया सा कढ़ाई पनीर, और तैयारी शुरू करते हैं फटाफट। गाइस पनीर भी मैंने काट के रख दिया, शिमला मिर्च भी काट के रख दिया, दोनों चीज़ें काट के रख दिया है, और ऊपर कसूरी मेथी रख दिया रोस्ट करने के लिए। टमाटर हमारा भुन रहा है, और मैंने डाल दिया इसमें नमक डाल दिया, देगी मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, सारे मसाले कर दिए मिक्स और हल्का सा ब्लैक। तो गाइस बारी है अब शिमला मिर्च डालने की। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके थे, ऑयल बिल्कुल आ चुका है टमाटर के ऊपर, और अच्छे तरीके से भुनाई हो गई। अब डाल दी मैंने शिमला मिर्च, और इसके बाद हल्का सा इसमें डालेंगे शिमला मिर्च को ना पहले डाल देना, जो हमारे पनीर अंकल हैं उनको बिल्कुल साइड में रखना, अभी मैं डालना बहुत डेलिकेट होते हैं, पनीर चलेगा सबसे लास्ट में। और अब इसमें जाने वाली है थोड़ी सी मलाई, अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगी शिमला मिर्च, हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा शिमला मिर्च का, जो खड़ी खड़ी शिमला मिर्च है ना मतलब क्रंची वाली वो अच्छी नहीं लगती है इसमें, और हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर डालेंगे लास्ट में पनीर। अभी मलाई डालते हैं थोड़ा सा, और भुनाई होगी ऑयल ऊपर आ जाएगा बढ़िया सा, फिर डालेंगे इसके अंदर। ग्रीन चिली ज़्यादा खाते हो तो ग्रीन चिली भी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी सी स्लिट्स करके कट करके आप ग्रीन चिली, देगी मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का भी बाद में आप डाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला स्पाइसी हो जाता है। ऊपर से अदरक का लच्छा भी आप डाल सकते हो, अदरक का लच्छा हमारे घर में कोई खाता नहीं है, मैं आपको पहले बताऊँ, निकाल के साइड में रख देते, काकू नहीं खाता, सार्थक नहीं खाता, वो रेस्टोरेंट में खाते हैं बस, जब चीज़ होती है ऊपर क्रीम वगैरह चीज़ें होती है, क्रीम का जहाँ क्रीम से ज़्यादा है सब। अब मैंने ले लिया आधी कटोरी मलाई, क्योंकि इसमें ना कढ़ाई पनीर के अंदर मलाई का रोल बहुत अहम है, और ग्रेवी को बहुत ज़्यादा बढ़िया रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी के अंदर। अब ये देखो ऑयल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आया हुआ है ना, तो मलाई डालने के बाद अच्छी सी भुनाई होगी, मलाई का ऑयल भी आएगा, देसी घी समझ लो ऊपर तक आ जाएगा इसका। तो गाइस आधी कटोरी के करीब मैंने जो मलाई है मैंने डाल दिया इसमें, और अच्छे तरीके से भुनाई होगी जब तक मलाई बिल्कुल सेपरेट अच्छे तरीके से। इस मसाले में आप चिली मशरूम भी बना सकते हैं, जैसे मैंने शिमला मिर्च डाली है, और इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, मशरूम भी डाल सकते हो, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हो, वेजिटेबल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सिंपल सा मसाला बनाया मैंने, और पनीर डालेंगे लास्ट में, पनीर अंकल बिल्कुल बैठे हुए हैं साइड में। अब ये देखो बढ़िया सा ऑयल आ गया होगा, बहुत ही मज़ेदार सी पनीर बिल्कुल लास्ट पे डाला। तो गाइस पनीर मैंने डाल दिया है, और इसमें ढक्कन लगा के मीडियम आंच में इसको ना 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि पनीर के अंदर भी सारे मसाले चले जाए, और शिमला मिर्च भी हमारी अच्छे देखिए। गाइस पनीर डाल के मैंने ढक दिया, इसको कवर कर दिया, सिम आंच कर दिया 10 मिनट के लिए, सिम आंच में पकने देना, और ताकि ना मसाले अच्छे तरीके से और भी जो है भुन जाएंगे, और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। आप इसको सर्व किसी भी तरीके से कर सकते हो, परांठे के साथ कर सकते हो, रुमाली रोटी के साथ कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में है। मसाले मैंने इसके अंदर सिर्फ देगी मिर्च डाल दिया, काला नमक डाल दिया, हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया है, और देगी मिर्च का हल्का सा तड़का, कसूरी मेथी का लास्ट में अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, फ्लेवर बहुत अच्छा है। बस अब मैंने फ़ोन कर दिया था भैया को, वो कह रहे कि कल आ जाएगा एग्जीक्यूटिव आ जाएगा फ्रिज वाला, और जो चार्जेस लेगा वो ले लेगा, अगर नहीं लेगा तो नहीं लेगा, कंपनी वाले उस टाइम पॉलिसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, हमारे सब्सक्राइबर के, हमारे फैमिली मेम्बर के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया जब
फ्रिज का इंस्टॉलेशन होगा, सारी चीज़ें फ़ीचर वगैरह सारी चीज़ें आप बता देना। अगर किसी को चाहिए होगी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और जो मैं बिल भी दिखा दूँगा आपको, तकरीबन ये इसका 1,19,000 के आसपास का था, डिस्काउंट करके 62 का मुझे बैठा था, क्योंकि वैसे 72 का था, मेरे पॉइंट पड़े हुए थे 10,000 पे, उसके लेस हो गए थे। पहले भी मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी ग्रेट ईस्टर्न इंडिया से, तो वहाँ पर कुछ लेस मिल गया था मुझे, मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड का लेस मिल गया था। ये सारी चीज़ों का लेस कर आकर तकरीबन मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल के 62 का मुझे फ्रिज घर में पड़ा था। और गाइस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉक का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। डॉली का कुछ ये जी, हाँ जी, ये इसका इधर उधर अभी चीज़ें संभल नहीं है, बैडमिंटन से कभी चादर ही निकल रही, कभी कुछ निकल रही है बस। तो गाइस अब काम तो एक दो दिन की और परेशानी है, सेट हो जाएगा तो उसके बाद निकलते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर से बहुत शॉपिंग करनी है, बहुत सारा सामान खरीदना है, बहुत सारा बॉक्सेस हैं, टोकरियाँ हैं, और भी है सार्थक का भी सामान खरीदना है, और डॉली ने अपना भी लेना है, मुझे भी लेना है, बहुत सारा सामान खरीदना है बाहर। टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अब पहली बार हुआ इतना ब्लॉग लेट आया हमारा, है ना, काफ़ी टाइम के बाद। तो गाइस अब ब्लॉग आएगा तकरीबन शाम को ही आएगा, एडिट वगैरह करते हुए, क्योंकि मुझे शॉप पर निकलना है, एडिट वगैरह करते हैं। सार्थक भी जहाँ कॉलेज जाने की तैयारी है तेरी, सार्थक भी तैयार हो गया, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुका है, बस अब निकलते हैं। थोड़ी सी परेशानियाँ हैं और ठीक भी हो जाएंगे, अगर परेशानियाँ आती हैं ठीक भी हो जाती हैं, सारे काम ऐसे होते हैं बस। चलो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो गाइस बढ़िया सा हमारा कढ़ाई पनीर बनकर हो चुका है तैयार, बस हल्की सी प्लेटिंग कर लो इसका, ये देखो ऑयल क्या मस्त ऊपर आ गया है। तो गाइस बटर में मैंने डाल दिया कसूरी मेथी और देगी मिर्च, तड़का लगाएंगे अब इसके ऊपर बटर के साथ तड़का। सार्थक ने बना लिया रू अफजा वाली मंच वाली कुल्लड़ वाली लस्सी अपने लिए, और ये हमारा अमूल बटर का तड़का लगा दिया इसका, बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनकर हो चुका है तैयार। बस कढ़ाई पनीर हमारा बनकर हो चुका है तैयार, बढ़िया सा कढ़ाई पनीर हमने बना लिया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर। प्लेटिंग कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, जैसे मर्जी आप बना सकते हो। एक बार ही बनाना और कमेंट्स करके बताना कि कैसे बना है। और आप इसमें ना चिली अगर आप डाल खाते हो ज़्यादा, तो चिली ज़्यादा डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मगर ये अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर ऑयल ऊपर आ गया। और लास्ट में बटर का तड़का ज़रूर लगाना इसमें, कसूरी मेथी और देगी मिर्च डाल के जी, ठीक है जी। और डॉली आ गया अब खाना बनाने के लिए, हाँ जी लंच बनाने के लिए आ गई है बस। तो गाइस मैंने कहा चलो लंच में बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, अभी शॉप से आया था तो चलो रेसिपी भी आपको दे देता हूँ बनाकर एक बारी, आपको पता लगा। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर एक बारी आप ही घर पर बनाना और बताना कैसे बना है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया है इसका। डॉली जी कैसे लगा आपको? बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा बना है, कलर ठीक नहीं है तभी करके, और इसमें आप अलग अलग वेरिएशन भी कर सकते हो, चीज़ें अलग अलग डाल सकते हो। तो बस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कढ़ाई पनीर बनाया जो मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में, अब काकू कह रहे जी उसके लिए नान लेकर आओ, बस नान लेने के लिए जा रहा हूँ मैं उसके लिए, और नान लेकर आते हैं काकू को देता हूँ खाने के लिए, नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है सर्विंग के लिए। और हमारे टमाटर कितने रह गए भाई साहब, टमाटर गिनते हैं, ये देखो छोटे छोटे से 2-3 टमाटर उड़ाने लग गए हैं, अब इसमें टमाटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट ख़त्म। टमाटर ये आ रहा है, ये देखो ये टमाटर आ गया है, ये टमाटर तो टूट के गिर ही गया है। और हमारे गुलाब अंकल का क्या हाल चल रहा है, गुलाब अंकल भी बड़े हो चुके हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ये वाला पौधा, कड़ी पत्ते का पौधा। और गाइस ये सामने वाला मकान मैं दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, रूम के साइज़ देख लो आप, एक रूम ये रहा, दूसरा तीसरा तीसरा रूम है, 3 रूम है, पीछे लिफ्ट लगी हुई है। बढ़िया सा बटर लग रहा है नान के ऊपर जी, बोलो जी। नान मंगाए हैं आपके लड़के ने स्पेशल, कह रहा है जी जो कढ़ाई पनीर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है उसके साथ नान चाहिए मेरे को खाने के लिए। हाँ नान के साथ सब्जी गरम कर रही थी मैं, जब तक ये कहता मैं ना वो कर लेता हूँ क्या नाम है यार वो सलाद के साथ खा लेता हूँ, सलाद के साथ नान खा रहा है, सब्जी गर्म हो रही है ना थोड़ी ठंडी थी, अच्छा फिर मेरे को सब्जी गर्म हो जाए फिर देती हूँ। चल ठीक है, और क्या कहते हैं ये भी फूडी है, मम्मी कहते थे ना मेरी तरह ये भी चटोरा है, निकलेगा तेरी तरह देखियो, जैसे मम्मी जी मेरे को बंद कर दिया करते थे कमरे में, बंद बंद करेगी
आप तो उल्टे सीधे चटपटी कोलिया शोलिया डाले दूले कच्चे दाल पकी दाल मूंगफली और क्या रहा है वो मम्मी जो बनाती थी कनस्तर भर के रहे बिस्कुट वो सब कुछ खाते थे ना इसलिए वो मम्मी बंद कर देती थी खाता रहा बैठ के। अब हमें क्या जरूरत है बंद करने की। तो गाइस बस अब कढ़ाई पनीर एक बार आप भी बना देना और बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पर है काकू फैमिली। जरा इसको मैं बोल दूं दम रुक जाए ऐसे मत खा। अब सब्जी गर्म करके ले। चल सब्जी गर्म हो रही है। बाय 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 बाय।